अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जल्द जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। नमस्कार, मैं हुरिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कल यानी 20 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया और कश्मीर की धरती से दुनिया को योग करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग ने लोगों को ये एहसास दिलाया है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया योग की शक्ति को मानती है और पूरा विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि योग लोगों को अतीत के बोझ को डोए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कल शाम श्रीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने श्रीनगर में युवाओं का सशक्तिकरण और जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में अपना भविष्य उज्जवल बनाएगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां हो रही हैं। जल्द यहाँ के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबको बांटने वाली दीवार अनुच्छेद 370 हटा दी गई है और प्रदेश में सभी को समान अवसर और अधिकार मिल रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुट रहा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें, इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की
जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई बड़े गौरवगान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आया है। भारतीय चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच सामने आया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 27 जून को 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। खैर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे और क्या पिछले दिनों हुए आतंकी हमले चुनाव प्रक्रिया के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अधिक अपडेट के लिए बने रहिए द 4th One इंडिया के साथ। धन्यवाद।